हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश हनी ड्यू बुक का चैप्टर 6। दिस इज़ जोडीज फोन। तो सबसे पहले देखते हैं बिफोर यू रीड में क्या है। इसमें है कि कई बार क्या होता है, जो छोटी छोटी कट लग जाता है या जल जाता है हाथ पैर वगैरह, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाय कुछ घरेलू नुस्खे जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो स्टोरी है, इसमें जो जोडी एक बच्चा है, उसके फादर को काट लिया था एक रेटल स्नेक ने। बिटन का मतलब होता है काट लेना। रेटल स्नेक एक टाइप का स्नेक होता है, काफ़ी जहरीला होता है और अपनी पूंछ से काफ़ी तेज तेज वो आवाज़ निकालता है। तो इस टाइप का वो स्नेक है। तो अगर रेटल स्नेक काट ले और तुरंत ही उस पर किसी डो के हार्ट और लिवर का जो है, हार्ट और लिवर को उस पर लगा लिया जाए उस जगह पर जहाँ पर रेटल स्नेक ने काटा है, तो वो पॉइजन जो है बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब जो जोडी है वो ये सोच रहा है कि जो डो है उसको तो उसके फादर ने मार दिया है, अब जो उस डो का बच्चा है, जो फॉन है, उसका वो क्या होगा बिना अपनी माँ के। डो देखिए होती है फीमेल डियर ना, और फॉन होता है उस डियर का बच्चा, उस डियर का बेबी। बेबी डियर होता है फॉन और डो होती है एक फीमेल डियर। तो यही थॉट्स जो हैं चल रही होती हैं। अब इसमें स्टार्ट करते हैं। तो जोडी जो है वो सोच रहा होता है और उसकी जो थॉट्स होती हैं सारी की सारी, वो आकर के मतलब बार बार जा रही होती हैं एक फॉन पर, मतलब डियर के बच्चे पर। और उसका जो जोडी का माइंड है वो इस बात से दूर हो ही नहीं पा रहा होता है। फिर वो अपने मतलब ऐसा लगता है, ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स। उसको ऐसा लगता है उसने उस फोन को अपने सपने में और अपनी आर्म्स में उसको पकड़ रखा है। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड। पेनी ले एट रेस्ट, हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर, बट द पीपल वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड। तो वो जो होता है, जोडी होता है, उसको नींद नहीं आ रही होती है, मतलब वो ऐसे बेड पे हो लेटा हुआ होता है। फिर वो एकदम से अपने उतरता है वहाँ से और अपने फादर के पास जाता है, और जो उसके फादर का नाम होता है पेनी, उसके फादर रेस्ट कर रहे होते हैं। उनकी जो आईज़ हैं वो पूरी तरह क्लियर और ओपन होती है, मगर जो प्यूपिल है, जो ब्लैक वाला पार्ट है ना जो आईज़ का, वो ऐसे लगता है जैसे कि अभी भी डार्क सा है और थोड़ा बाहर की तरफ जैसे निकला हुआ है, बड़ा हो गया है। डायलेटेड का मतलब होता है एनलार्ज हो गया है, बड़ा हो गया है। फिर जोडी जो है अपने फादर से पूछता है कि आप अब कैसा फील कर रहे हैं। तो उसके फादर रिप्लाई करते हैं कि अब मैं मतलब सही हूँ, जो ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर। इसका मतलब है जो डेथ उसके सर पे मंडरा रही थी, अब वो वहाँ से जा चुकी है। मगर वो कहता है इट वॉज़ अ क्लोज शेव। इट वॉज़ अ क्लोज शेव का मतलब है कि ये बहुत ही ज़्यादा पास से आकर के गुजरी। वो कहते हैं कि हाँ आई अग्री। पेनी कहते हैं कि मैं बहुत प्राउड हूँ बॉय तुम पर, कि तुमने अपना जो मुश्किल के केप्ट योर हेड का मतलब है स्टेट काम्ड इन डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब इतनी प्रॉब्लम हो गई थी फिर भी तुमने उसको अच्छे से हैंडल किया और काम रहे, एकदम शांत रहे खराब कंडीशन में भी। तो फिर जो जोडी होता है वो बोलता है कि फादर क्या आप जानते हैं कि जो फोन होगा उस डो का जिसकी डेथ हुई है, जिसको हमने मार दिया है, वो कहाँ पर होगा, तो क्या आप उसे पहचानते हैं कि वो कैसा दिखता होगा। तो उसके फादर बोलते हैं कि मैं कैसे उसको भूल सकता हूँ, पुअर जो डो था उसने मेरी लाइफ सेव की है और अब वो बेचारा फोन मतलब कहाँ होगा। तो फिर वो जो बच्चा होता है जोडी, जोडी बोलता है कि मैं जो है उस फोन को यहाँ पर लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि वो जंगल में भूखा होगा, हंगरी मतलब भूखा होगा, और स्केयर्ड मतलब काफ़ी डरा हुआ होगा। तो फिर वो यही बोलता है कि जोडी की मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मेरे को एक ही टाइम दूध पीने की ज़रूरत है और बाकी जो मेरा दूध होगा वो फ़ोन पी लेगा, और कुछ टाइम में फ़ोन बड़ा हो जाएगा। फिर मतलब वो ये कहता है कि हम फ़ोन को यहाँ पे ला सकते हैं क्या, यहाँ पे ला करके हम उसे पाल सकते हैं क्या। अब जो पेनी थे, मतलब जोडी के जो फादर थे, वो बिल्कुल चुपचाप लेटे रहते हैं और ऊपर की तरफ स्टेयर कर रहे होते हैं, सीलिंग की तरफ मतलब छत की तरफ वो देख रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं कि बॉय यू हैव गॉट मी हैम्ड इन। इसका मतलब होता है, गॉट मी हैम्ड इन का मतलब ऐसी सिचुएशन में रख देना जिसमें आप ना नहीं कर सकते हैं। तो वो यही कहता है कि बॉय मतलब तुमने मुझे ऐसी सिचुएशन में रख दिया है कि इस सिचुएशन में मैं तुम्हें ना नहीं बोल सकता हूँ। और फिर जोडी बोलता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा फ़ोन को मतलब
वो करने में, पालने में, जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा वो लीव्स और एकॉर्न खाने लगेगा। एकॉर्न छोटे छोटे ब्राउन कलर के नट्स होते हैं। फिर उसके फादर जोडी को बोलते हैं कि तुम अपनी एज से काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो और श्योरली मतलब अनग्रेटफुल होगा, काफ़ी ख़राब होगा कि अगर हम उस फॉन को ऐसे ही जंगल में छोड़ दें और उसको ख्याल ना रखें। तो फिर जोडी के फादर कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें ना नहीं बोलूँगा और मतलब हम उसे यहाँ पर ला सकते हैं। फिर वो पूछता है जोडी अपने फादर से, कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। फिर वो कहता है क्या मैं मिलविल मतलब एक फॉरेस्टर होता है मिलविल जो जंगल में जाते रहते हैं, उनके साथ जा कर के देख सकता हूँ, उस फोन को ढूंढ करके ला सकता हूँ। तो फिर उसकी जोड़ी के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम अपनी मम्मी से पूछ लो, मैंने तो तुम्हें परमिशन दे दी है। ही सेल्डेड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। तो जो जोड़ी होता है वो पीछे की तरफ चुपचाप बैठ निकल के चला जाता है, अपनी मदर के पास जाता है। मदर जो होती हैं वो सबके लिए कॉफ़ी जो है वो कर रही होती हैं पॉट्स में, ग्लास में। तो वो अपनी मदर से बोलता है फॉन कैन आई मतलब क्या मैं जो फ़ोन है उसको घर ला सकता हूँ। तो मदर कहती हैं कि कौन सा फ़ोन, तो वो बताता है कि वो फ़ोन जो डो जिस डो को मतलब हमने मार दिया है, उस डो का जो बच्चा है फ़ोन, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। हमने उसका लिवर यूज़ किया पाके मतलब पापा के पॉइजन को निकालने के लिए। तो फिर जो जोड़ी होता है वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या हम उसको लेके आ सकते हैं। पा भी कह रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा अनग्रेटफुल होगा, काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब होगा कि हम उसको ऐसे ही वहाँ पर मरने के लिए, भूखा रहने के लिए वहाँ छोड़ दें। तो माँ भी कहती हैं कि ठीक है, मतलब तुम नथिंग जो है वर्ल्ड में वो फ्री नहीं आता है, जो अब तुम सही कह रहे हो और डैडी भी सही कह रहे हैं, तो हम उस फोन को यहाँ पर लेके आ सकते हैं। फिर वो मिलविल के साथ जो है वो जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो मिलविल सेड ही कैन राइड बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। तो मिलविल जो है वो हेल्प करने की बात मान जाते हैं। तो फिर शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, मतलब उनकी जो मदर होती हैं वो कहती हैं कि अब तो मतलब ये मानेगा नहीं और अब तो ये जाएगा ही जाएगा। तो वो मिलविल के पास जाता है, फॉर मिलविल जो है वो उसको जंगल में ले जाते हैं। माँ बैक्स्टर आस्ट एंशियसली, देखिए जो बैक्स्टर है ना ये अब इसमें नाम आया है, मगर ये जो बैक्स्टर्स हैं ये इनका सरनेम है, इनका जोड़ी के मदर फादर का जो है सरनेम है बैक्स्टर। तो माँ बैक्स्टर आस्ट एंशियसली, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, मतलब मदर उससे कहती है जोड़ी से कि तुम जो है काफ़ी ज़्यादा दूर मतलब मत जाना। फिर जोड़ी कहता है कि मैं डिनर तक जो है वापस आ जाऊँगा। फिर मिलविल जो है वो अपने घोड़े पर बैठता है, जोड़ी उसके पीछे बैठता है, देखिए जैसे पिक्चर में दिखाया गया है। फिर जो जोड़ी है वो मिलविल से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि जो फ़ोन है वो अभी भी वहीं होगा, क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे। तो वो बोलता है कि हाँ वो अभी अलाइव होगा, और मगर हमें ये कैसे पता लगेगा कि वो वही है, हम उसे कैसे पहचानेंगे। तो वो बोलता है जोड़ी कि जो स्पॉट्स हैं वो बिल्कुल उसके जो बॉडी पे थे वो स्पॉट्स बिल्कुल एक लाइन में थे जो फ़ोन था उस पर, पाने ऐसा बताया है, तो उस स्पॉट्स को देखकर हम लोग जो है उसको पहचान जाएंगे। अब इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें है कि जोडी गिव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ फॉन, दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग। तो फिर फॉन के बारे में सोच रहा होता है, फिर वो वहाँ से निकल रहे होते हैं जंगल में से, जो बिल्कुल ऐसा अबेंडेंट मतलब जो छोड़ दिया गया होता है क्लियरिंग, ऐसे रास्तों से निकल रहे होते हैं वो जंगल में जाने के लिए। फिर आगे बोलता है ही सेट कट टू द नॉर्थ मिलविल, इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डो एंड आई सॉ द फोन। फिर वो कहते हैं कि ये नॉर्थ वाली जो साइड है, इस तरफ की, इस तरफ जो है आप चलो, यहीं पर जो है स्नेक ने पापा को काटा था और यहीं पर हमने जो है उस डो को मारा था और फोन को हमने देखा था। फिर सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम, फिर एकदम से जोडी को लगने लगा कि मिलविल जो है वो उस टाइम ना रहे उनके साथ। अगर जो फोन, इफ़ द फोन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड, ही कुड हैव
हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। तो ऐसा मतलब जोडी सोच रहा था कि अगर वो फॉन को नहीं ढूंढ पाया जोडी, तो जो जोडी के फेस पे डिसअपॉइंटमेंट होगी, तो मिलवील जो है वो उसको देख लेगा, वो ये नहीं चाहता। और अगर फॉन मिल गया उसे, तो जो मीटिंग होगी फॉन के साथ, वो इतनी ज़्यादा लवली होगी, इतनी ज़्यादा अच्छी होगी। वो उसे सीक्रेट रखना चाहता है और ख़ुद तक ही रखना चाहता है, किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। फिर वो कहता है, ही सेड इट्स नॉट फार नाउ बट द श्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, आई कैन मेक इट ऑन फुट। फिर वो मिलवील से कहता है जोडी कि अब जो है ज़्यादा दूर नहीं है, जो श्रब है, घास है, वो बहुत ज़्यादा घनी है घोड़े के लिए, अब मैं जो है पैरों पे ही चला जाऊँगा। फिर मगर मिलवील कहता है कि मुझे मतलब डर लग रहा है कि मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ जाऊँ, तुम तो बच्चे हो। तो आई सपोज़ यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय अ स्नेक टू। फिर वो कहता है कि अगर तुम खो गए या फिर तुम्हें भी सांप ने काट लिया तो क्या होगा। तो जोडी बोलता है कि मैं अपना ध्यान रखूँगा और बहुत ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगेगा फ़ोन को ढूंढने में, मैं जल्दी ही फ़ोन को ढूंढ के आ जाऊँगा। फिर जो वो जो होता है मिलवील, वो कहता है ठीक है, तुम्हें यहाँ का रास्ता पता है तो मैं तुम्हें यहाँ से चला जाता हूँ और तुम ध्यान रखना अपना, ऐसे करके फिर वो चला जाता है। देयर एंड देयर द टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, सो लॉन्ग मिलवील आई एम ओब्लाइज। तो फिर वो बताता है कि इस तरीके से यहाँ पे जो डायरेक्शंस हैं वो हैं, मेक्स अ बियरिंग का मतलब होता है, देखिए, एक्ट्स एज अ कंपास एंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई डायरेक्शन। तो यहाँ पे वो जो बताते हैं कि टॉल पाइन ट्री है एक, वो आपको डायरेक्शन इजीली आप बता सकते हैं कि किधर को उसको देख के नॉर्थ है कि साउथ है या ईस्ट है, जो भी डायरेक्शन है उसकी हेल्प से बताई जा सकती है। फिर मिलवील जो है वहाँ से चले जाते हैं। ही वेटेड फॉर अ साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड देन कट टू द राइट, द श्रब वॉज स्टिल, ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। तो फिर जो जोड़ी होता है वो श्रब के अंदर से जा रहा होता है। फिर हूव्स होते हैं जो घोड़े के पैर होते हैं ना, जब तक उसकी आवाज़ आती है वो धीरे धीरे चल रहा होता है, फिर जब आवाज़ आनी थोड़ी कम हो जाती है वो अंदर की तरफ जाता है जो जोड़ी है। फिर वो श्रब्स को हटा हटा के जा रहा होता है। क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स का मतलब है जो पेड़ की टहनियाँ होती है ना, उसके सिर्फ हल्का, जब वो हटा रहा था उसको जोड़ी, तो उसके हल्के हल्के टूटने की आवाज़ ही जो थी वो साइलेंस को ब्रेक कर रही थी, वरना वहाँ बहुत ज़्यादा शांति थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंस इफ़ ही हैड मिस्टेकन इज डायरेक्शन। फिर एकदम से जोड़ी को ये भी लगता है कि कहीं उसने अपनी डायरेक्शन जो है उसकी गलत तो नहीं हो गई है। देन ही बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इन टू द एयर, ही केम इन टू अ क्लियरिंग अंडर द ओक्स, बजर्ड्स सेट इन अ सर्कल अराउंड द केरास ऑफ द डो। देखिए, बजर बहुत बड़ी ज़्यादा बर्ड होती है, काफ़ी बड़ी बर्ड होती है बजर जो होती है। तो वो देखता है कि बजर जो है वो जो केरास होता है ना उस डो का, जिसको उन लोगों ने मारा होता है, केरास होता है जो कंकाल बाद में बच जाता है, उसमें थोड़ा बहुत मांस होता है, उसके चारों तरफ जो है वो बजर जो मांस को खाने वाली चिड़िया होती है ना, वल्चर्स जैसे, कि वो उसके बिल्कुल किनारे किनारे बैठी हुई होती हैं डो के। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम। तो वो उसको मतलब अटैक कर करके खा रही होती हैं डो को, मरी हुई चीज़ों को खाते हैं ना वल्चर्स। ही थ्रू हिज बो एट देम एंड दे फ्लू इन टू द एडजेसेंट ट्री, द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट कैट स्किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरेसन बर्ड्स। तो मतलब वहाँ पर उसको कैट के भी प्रिंट्स दिख रहे होते हैं, बड़ी कैट के जोड़ी को, कि उसको डो को खाया होगा कैट ने भी, और फिर कुछ बचा हुआ पार्ट जो है वो वल्चर खा रहे थे, वो ये भी देखता है। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन, इट डिडन नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे। तो वो उसको मतलब उस जगह पर वो घास हटा हटा के पहुँच गया होता है जहाँ पर उसने कल येस्टरडे मतलब एक दिन पहले फ़ोन को देखा था, उस जगह वो पहुंच गया होता है, मगर वो देखता है फोन उस टाइम पर वहाँ पर नहीं होता। ही सर्कल द क्लियरिंग, देयर वॉज नो साउंड, नो साइन, बजर्ड्स क्लैकर्ड देयर विंग्स इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फोन हैड एमर्ज एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स। तो फिर वो ढूंढा होता है फोन को, नहीं मिला होता, फिर वो इधर उधर जो क्लियरिंग होती है आसपास का इलाका, वो गोल गोल घूमने लगता है उसमें जोड़ी। फिर वो देखता है कोई आवाज़ नहीं हो रही, कोई साइन नहीं होता, बजर जो है उड़ा दिया था ना उसने जोड़ी ने उसको, चिड़ियों को, वल्चर्स को, वो बिल्कुल मतलब वेट कर रही होती है कि कब वो दोबारा अपने बिजनेस पे लगे, मतलब दोबारा आ करके खाना स्टार्ट कर दें डॉग को जो बचा हुआ था वहाँ पर। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड एमर्ज एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, स्टडिंग द सैंड फॉर अ स्मॉल हूफ प्रिंट्स,
The night's rain had washed away all tracks except those of cats and buzzards. फिर वो देखता है सैंड पे, कोशिश करता है देखने की कि क्या पता कोई साइन ऐसा उसको मिल जाए जिसके पैरों के पंजे, छोटे छोटे पैरों के पंजे उसे ऐसे मिल जाएं जिसकी हेल्प से वो उसको फॉन को ढूंढ पाए, मगर उसको कोई भी ऐसा साइन नहीं मिल रहा था। पंजे जो थे, रात में बारिश पड़ी थी उसने पंजों को बिल्कुल साफ कर दिया था और सिर्फ बजर्ड जो चिड़ियाँ थी और कैट के ही उस वहाँ पर पंजे बचे हुए थे। अभी देखिए थर्ड पार्ट जो है हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।